अब आपको दिखाते हैं क्या एकनाथ शिंदे की बगावत को शिवसेना ने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कहा है, क्या मध्य प्रदेश में जैसे सिंधिया ने बीजेपी की सरकार बनवाई थी वैसे ही शिवसेना के शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए त्रू का एक्का साबित होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही, हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। हम किसी में हम नाराज नहीं है, प्रदेश में बिल्कुल मजबूत नहीं है। आधी रात महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल शुरू हुआ तो सुबह सियासी तापमान गर्म हो गया, क्योंकि ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में 2 साल पहले आधी रात को शुरू हुआ था ऑपरेशन कमल। नतीजा चंद दिनों के बाद ही बहुमत वाली सरकार चला रहे कमलनाथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान को सत्ता का सिंहासन मिल गया। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन कमल से फडणवीस पलट देंगे बाजी? देखिए 26 नहीं है उनके साथ, मुझे लगता है 17 या 18 लोग हो सकते हैं, उसमें से 8 या 9 लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी एक दो जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। इस तरह से किडनैपिंग होगा विधायकों का और सरकार बनाने की कोशिश करेगी, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी, उसे कोई मान्यता नहीं दिया। सत्ता महाराष्ट्र की और फुल ड्रामा चल रहा है गुजरात के सूरत। वजह है उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के करीब 2 दर्जन विधायकों को सूरत के एक होटल में रोक कर रखा गया है। खबरें यही है कि शिवसेना के दिग्गज नेता और उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम बीजेपी की सरकार बनवाने और टीम राहुल को छोड़कर कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए किया था, उसी स्क्रिप्ट पर ऑपरेशन कमल को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की मदद से बीजेपी अंजाम देगी? कितने लोग मौजूद थे इस मीटिंग में? आज अपने आपकी मीटिंग में कितने विधायक थे? जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 से 18 से ज्यादा लोग नहीं, 33 लोग थे। विधान परिषद के भी लोग थे? 33 लोग थे और भी 7-8 लोग आसपास हमारे हैं, लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है, और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है कि हमको वापस यहाँ से छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। ठीक है, उनकी जान खतरे में है, उसका मतलब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। खबरों के मुताबिक सूरत के ली मेरिडियन होटल के अंदर एकनाथ शिंदे और करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। मान मनोवल की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बाकी तेवरों को देखते हुए उद्धव ने बड़ा एक्शन ले लिया। विधायक दल के नेता के पद से शिंदे को हटा दिया गया। वहीं एक्शन के बाद बागी एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से शिवसेना हटाते हुए पहली टिप्पणी की। हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। शिवसेना के क्राइसिस मैनेजर रहे एकनाथ शिंदे ने ही उद्धव सरकार को सबसे बड़े संकट में डाल दिया, अपनी ही सरकार के टॉप लीडर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी सीधी बगावत। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर अपने गुट के विधायकों को सिंधिया ने पहले गुड़गांव के होटल में ठहराया था और उसके बाद कर्नाटक शिफ्ट किया गया था। तब कांग्रेस ने बीजेपी पर ऑपरेशन कमल का आरोप लगाया था और अब सूरत के होटल में मौजूद बाकी विधायकों को लेकर शिवसेना वही आरोप दोहरा रही है। अभी एक विधायक को वहां जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहां से। देखिए
विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहां से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी चार विधायक उनके साथ थे, गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहां बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी तो ये देश में क्या बचेगा? दूसरी बात ऐसी है, अभी अभी इतना शिंदे जी को हमने विधायक दल का जो नेतृत्व है उसे निकाल कर अजय चौधरी को दिया, ये शुरुआत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से जब इस्तीफा दे दिया था तो उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। दरअसल सिंधिया लंबे वक्त से केंद्रीय नेतृत्व और राज्य में कमलनाथ सरकार के नजरअंदाज करने से परेशान थे। 9 मार्च 2020 को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से आखिर बगावत भी कर दी तो उसके पहले बीजेपी के बड़े नेता उनसे संपर्क में थे। महाराष्ट्र में भी सीन वैसा ही है। बीजेपी में आने से पहले तक राहुल के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे सिंधिया, जैसे बागी होने से पहले तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उद्धव के सबसे विश्वसनीय लोगों में शामिल थे। खबरों के मुताबिक उद्धव सरकार में शिंदे मंत्री तो थे, लेकिन सरकार बनने के बाद ही दूसरे नेताओं को मिली ज्यादा तवज्जो से परेशान थे। यानी सिंधिया भी नाराज थे और एकनाथ शिंदे भी नाराज। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सरकार अपने दम पर पलट दी तो क्या एकनाथ शिंदे भी इतना बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? ये पार्टी बाला साहेब ठाकरे की, ये पार्टी उद्धव ठाकरे की, ये बयान गलत है। पार्टी पार्टी होती है। बाला साहब जी के पास साथ उद्धव ठाकरे जी पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं, के ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे? खोएंगे। अब पूरे देश की नजर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर है, यानी सरकार बचेगी या जाएगी। मध्य प्रदेश में 10 मार्च 2020 से ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ और 23 मार्च को सरकार बदल गई। महाराष्ट्र में 21 जून से ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ, या ऐसा ही महाराष्ट्र में भी होगा? जो खेल चल रहा है, अगर वो खेल चलता रहा तो वहाँ बाई इलेक्शन हो जाएगी, फिर चुनाव हो जाएगा, वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए विधायक डर गए हैं जो सूरत में बैठे हो। हमको बार बार संजय कुटे वहां पर देखे गए, जो देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी है वो वहां पर रिसोर्ट में पहुंचे हुए, उनको वहां पर देखा गया। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, ये नहीं चलेगा। एमपी में सरकार गिराने का जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके तहत कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देना था, तो क्या ऐसा ही फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाया जाएगा? तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार एक तरफ एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं, अब विधायकों का आंकड़ा 30+2, 30 शिवसेना के और 2 निर्दलीय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस होटल की आप देख रहे हैं, ये वीडियो उसी फ्लोर की है जहां पर एकनाथ शिंदे इस वक्त ली मरीडियन होटल में सूरत में मौजूद है। 30 शिवसेना के बागी विधायक और 2 अन्य विधायक भी उनके साथ है, ये उनका दावा है। गोपी गांगर हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जो हुआ था वो अपने दर्शकों के सामने याद ताजा करते हुए हमने आज की तस्वीर रखी है। विद्या भी हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि अगर ये बड़ी कोशिश थी, मिलिंद नार्वेकर गए और वहां पर न सिर्फ उद्धव ठाकरे से बात कराई, खबर यह आई कि उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से भी बात कराई है। इन सब के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं है एकनाथ शिंदे, यानी क्या आर पार के मूड में है और क्या वाकई उद्धव सरकार गिर सकती है? 32 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। गोपी, बिल्कुल देखे अंजना, ये वो 32 का आंकड़ा काफी बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 32 के आंकड़े को छूने के लिए भी पूरी तरीके से प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि 32 का आंकड़ा ऐसा तो नहीं है कि 1-2 विधायकों को इकट्ठा कर लिया। 32 तक पहुंचना और 32 के 32 विधायकों को यहाँ पे गुजरात में लाना, उनको होटल में रखना, यहाँ तक कि एमएलसी का जो कल इलेक्शन हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग करवाना, ये पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे ही इस पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के पीछे होंगे। हो सकता है कि बीजेपी के बड़े नेता जो है वो भी इसके पीछे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज शर्तें रखी गई है उद्धव ठाकरे के सामने और बीजेपी को समर्थन देने के लिए कहा गया है, साथ ही या तो बगावती सूट के लिए तैयार हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आज की नहीं हो रही होगी। क्योंकि गुजरात में हम कई सालों से रिपोर्टिंग करते हैं अंजना, यहाँ पे हमने देखा है कि चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से हर छोटी छोटी चीज की एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ
वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वही चीज अब महाराष्ट्र के अंदर देखने मिल रही है और उसी का नतीजा है कि आज जो 32 विधायक है वो इस होटल के अंदर है और होटल की जो एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, जिसमें करीब 5 से 7 जो शिवसेना के विधायक है वो फ्लोर पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ तक कि फ्लोर पे सिक्योरिटी भी आपको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो आशंका है एकनाथ शिंदे को कि हो सकता है, या बीजेपी को ये आशंका है कि हो सकता है कि कहीं से शिवसेना कोई गड़बड़ ना कर दे, तो उसके लिए फ्लोर तक सुरक्षा रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर ना सिर्फ बाहर बल्कि फ्लोर के ऊपर भी सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात किए गए हैं और वो तस्वीरें दिखाई दे रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल।